पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मिले हुए रूप को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हमारी वर्णमाला में जो संयुक्त व्यंजन है वहां पर दो व्यंजनों को जब हम मिलाते हैं तब वहां संयुक्त व्यंजन बनता है। हमारी वर्णमाला में इनकी संख्या चार है, छ, त्र, ज्ञा, श्र। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत जो दो वर्ण मिलते हैं उसमें एक वर्ण स्वर रहित होता है और दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है। स्वर रहित में आ नहीं होता है और स्वर सहित अक्षर में आ होता है। जैसे ये स्वर सहित वर्ण में क प्लस आ बराबर का, हमारी वर्णमाला के सभी अक्षरों में आ लगा हुआ है इसलिए वो सब स्वर सहित हैं। अब जो चार अक्षर है हमारी वर्णमाला में संयुक्त, उनमें जो आधा अक्षर होता है स्वर रहित अक्षर जो है उसको हम आधा अक्षर भी कहते हैं या हलंत अक्षर भी कहते हैं। तो हमारे वर्णमाला में जो छ अक्षर बना है संयुक्त वो आधा का प्लस श, इसको मिलने से बना है छ, आधा ता रा, इनको मिलने से बना त्रा, आधा जा और या, इनके मिलने से बना ग्या, आधा शा और रा, इनके मिलने से बना श्र। स्वर सहित तो आपके समझ में आ गया होगा ना कि आधा का या हलंत का उसके साथ आ अक्षर मतलब का, इस तरह से सारे अक्षरों में और सा लगा होता है जिससे सारे अच्छे पूर्ण अक्षर या स्वर सहित अक्षर बनते हैं। धन्यवाद।